हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज से हम कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट का जो प्रश्न बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रोवाइड किया है उसका हल देखेंगे। तो इससे पहले एक जरूरी बात कि हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सभी सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को सभी ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प है, तो पहला है संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। तो कौन से माने जाते हैं? गणेश जी माने जाते हैं। पूरण पुराण और पुरुष पुराण है तो कौन है? भगवान श्री राम है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी वाक्य कहा है, किसने कहा है? भगवान कृष्ण ने कहा है। विश्वास में विष घोलने का काम किया था तो किसने किया था? सुजान ने किया था। कृष्ण की पत्री आने की बात सुनकर कृष्ण के घर आने लगी, कौन आने लगी? गोपिया। नाव में जल भरने पर और घर में दाम बढ़ने पर दोनों हाथों से उलीसना चाहिए, यह कथन है, किसका कथन है? कबीरदास जी का है। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, कभी भी टूट सकता है, यह कहा है? यह किसने कहा है? यह भी कबीर ने ही कहा है। अगला देखते हैं हम, इंद्रधनुष में दिखाई देता है, आकाश में दिखाई देता है। भैया इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है, कौन से प्रसंग में आया है? केवट प्रसंग में आया है। विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देगी, किसका? नव युवक का। सूरदास के साहित्य की भाषा है तो कौन सी भाषा है? उनकी ब्रजभाषा सबसे प्रमुख भाषा है। मैथिली शरण गुप्त ने काव्य की रचना की है तो किसमें की है? खड़ी बोली में। कबीर की भाषा को कहा जाता है तो सदुक्कड़ी भाषा। सांझ सकारे भारत माता की आरती कौन करता है? तो चांद सूरज करते हैं। सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है तो किसमें मिलता है? प्रगतिवाद में। ठीक है, तो ये आपके विकल्प हो गए। अब आगे है रिक्त स्थान, उनको देखते हैं। तो बिहारी की रचना, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूं, बिहारी की रचना प्रसिद्ध रचना रिक्त स्थान है तो क्या है? सतसई है। अगला है तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली रिक्त स्थान परम की उत्कृष्ट रचना है तो इसका आ जाएगा मुक्तक काव्य। फिर अगला है रामचंद्रिका के रचयिता हैं तो कौन है? केशवदास हैं। कालिस्तान वात्सल्य के कुशल चितेरे हैं, सूरदास जी हैं। मथुरा से योग सिखाने रिक्त स्थान गए थे तो कौन गए थे? उद्धव गए थे। रिक्त स्थान को सबसे पहले पूजा जाता है तो गणेश जी को। बलदाव रिक्त स्थान को चिड़ा चिड़ा कर परेशान करते थे, श्री कृष्ण को। कबीर ने रिक्त स्थान की संगति करने को कहा है, किसकी करने कहा है? साधु की। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए सारे। अब देखते हैं हम सत्य असत्य। तो ये देखिए, पहला है श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है तो ये बात सत्य है। ठीक है, मैं राइट का चिन्ह लगा दूंगा इनके सामने। अगला है सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं तो यह भी सही बात है। अगला है प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा सरल है, यह भी सही है। गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे तो यह गलत है, चौथा वाला गलत बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगला है घर में दाम बढ़े तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए, यह भी गलत है। छठा प्रश्न है कि केवट ने नाव पर बैठाने से ही मना करके राम का अपमान कर दिया, क्या यह बात सही है? नहीं है, यह भी गलत बात है। अब आगे देखते हैं, अगले फूल और मालिन दोनों ही संसार में मधु वर्षा करते हैं, हाँ यह सही बात है। सूरदास का उद्धव प्रसंग शांतिपूर्ण रचना है, गलत बात है, असत्य है। कबीर प्रेमाशय शाखा के कवि है, यह भी असत्य है।
केशवदास भक्ति काल के प्रमुख कवि है, तो ये बात भी गलत है, असत्य है। घनानंद जी रीति सिद्ध कवि है, नहीं वो रीति मुक्त है, तो ये भी असत्य है। और केशवदास रीति मुक्त कवि है, तो ये भी असत्य है, ठीक है। तो ये सारे आपके सत्य असत्य हो गए। अब देखते हैं हम सही जोड़ी, सभी विपत्तियों को हरते हैं, तो सभी विपत्तियों को कौन हरते हैं, गणेश जी हरते हैं, तो उनके सामने जो ऑप्शन है वही सही है, ठीक है, तो ये इसका यही रहेगा। कृष्ण को कितनी ही बार खिजाया है, किसने खिजाया है, बलदाऊ ने खिजाया है, तो शुरू के तो शुरू में हो गए। घनानंद की प्रेमिका है, तो घनानंद की प्रेमिका कौन है, सुजान है। अगला है रत्नाकर की भक्ति क्या है, तो रत्नाकर की भक्ति है सगुण, ठीक है। हमें अशिक्षित व असभ्य बताने वाले लोग हैं, तो कौन से लोग हैं, वो पश्चिमी देश के लोग। बड़ सिफाई कविता के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं विष्णुकांत शास्त्री, तो ये विष्णुकांत शास्त्री। झुकाने की सामर्थ्य किसमें है, वीर में है, तो वीर आ जाएगा। फिर आठवां है मंगल वर्षा, तो ये किसकी कृति है, तो मंगल वर्षा कृति है भवानी प्रसाद मिश्र की, तो आप देख सकते हैं ये मंगल वर्षा, ये भवानी प्रसाद मिश्र। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, तो ये केशवदास, ये और आगे बढ़ा देता हूं मैं, केशवदास। अगला है भवानी प्रसाद मिश्र, तो इसका आ जाएगा सतपुड़ा के जंगल, तो ये सतपुड़ा के जंगल। तुलसीदास क्या थे भाई, संत कवि थे। वात्सल्य के चित्रे कौन है, सूरदास हैं, ठीक है। काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग, तो किसने किया था सर्वाधिक छंदों का प्रयोग, केशवदास ने, तो ये एक बार और भी केशवदास आया है। रीति मुक्त धारा के कवि हैं, तो कौन है, घनानंद जी है, तो ये घनानंद, ठीक है। अगला है पंद्रवा बौद्धिकता की प्रधानता, तो ये हो जाएगा, इसमें नीचे देखिए ऑप्शन है प्रयोगवादी काव्य, तो इसमें आ जाएगा प्रयोगवादी काव्य। और हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार, तो ये हो जाएगा भारतेंदु युग। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी भी हो गई, ठीक है, सही विकल्प भी हो गए, रिक्त स्थान भी हो गए, सत्य सत्य भी हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।